हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस दूसरे वीडियो में मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि बेयर मार्केट के लिए क्या क्या और स्टेप्स लेने जरूरी हैं ताकि हमारा पोर्टफोलियो और मजबूत बने और आने वाले टाइम पे हम लोग एक अच्छे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो पहले वीडियोस में जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको अपने सारे जो भी शेयर जिसने बहुत वर्स्ट रिटर्न दिया है उससे तो निजात पा ही लेना है। अब दोस्तों, इस सीरीज में कुछ स्पेशल ये है कि पहली पॉइंट जो मुझे इस सीरीज के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि कभी भी एक बार में पूरा पैसा नहीं लगाना है या पूरा पैसा निकालना नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कभी भी एक बार में पूरा पैसा डालना नहीं चाहिए और एक बार में पूरा पैसा निकालना नहीं चाहिए। जब भी हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एक इन्वेस्टर के लिए सबसे टफ क्या डिसीजन होता है कि हम शेयर को कब बेचेंगे। तो हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिकमेंडेशन इज टू कीप बुकिंग प्रॉफिट। आई रिपीट, प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है दोस्तों स्टॉक मार्केट में, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट कम भी क्यों ना हो, बट आपको पता होना चाहिए कि व्हेन टू से नो, कब आपको मार्केट में एग्जिट लेना है, कब आपको मार्केट में ना करना है, कब अपने आप को स्ट्रांग रखना है मार्केट में। दूसरा पॉइंट, जब भी आप मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक उसकी कंसेप्ट को समझिए कि वो इन्वेस्टमेंट किस टाइम ड्यूरेशन का है और वो उस इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न आ रहा है। अगर आपका मार्केट में इन्वेस्टमेंट और मार्केट में रिटर्न दोनों में मिसमैच आ रहा है, जैसे कि मेरे को लगता है, तो उस स्टेज पे आपको इमीडिएटली अपना पोर्टफोलियो स्क्वायर ऑफ करना चाहिए या फिर उन शेयरों को बेच देना चाहिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दूंगा, एक्स वाई जेड कंपनी के शेयर को 3 साल के लिए खरीदा था जिसमें मेरा उसका टारगेट डबल होना था, बट 3 साल के बाद मैंने चेक किया तो वो शेयर आधा हो गया है या उस शेयर की वैल्यू जस्ट की तस है। तो क्या करना चाहिए मुझे आज के आज ही मुझे शेयर को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, मतलब आज के आज ही मुझे शेयर से बाहर निकलना चाहिए और किसी फ्रेश कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए रैदर देन टू इन्वेस्ट इन एन ओल्ड बिजनेस। तीसरी चीज दोस्तों, जो सबसे ज्यादा एज अ पोर्टफोलियो में आपको गौर करनी है वो ये है, र्यूमर्स पे कभी भी बाय और सेल नहीं करना है। आई रिपीट, कभी भी मार्केट में रूमर्स पे काम नहीं करना है। ऑलवेज गो एंड चेक विद द ऑथेंटिक वेबसाइट, और ऑथेंटिक वेबसाइट स्टॉक मार्केट की कौन है, www.bseindia.com और www.nseindia.com। ये BSE और NSE की ऑफिशियल साइट्स हैं। आपको यहीं पे दिए गए हुए इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट करना है, कोई भी थर्ड पार्टी पे दी गई इंफॉर्मेशन माइट बी उसकी एक्यूरेसी और गारंटी नहीं होती है, ऐसा स्टॉक एक्सचेंजेस के डिस्क्लेमर में भी लिखा होता है। तो हमेशा एक र्यूमर में ट्रैप होने से बचें, पहले पुख्ता कर लें कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, आपका जो कंपनी के बारे में रिसर्च है, जो रिव्यू है, वो 100% एक्यूरेट होना चाहिए। चौथी चीज, मार्केट बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करें, हमेशा मार्केट के लिए न्यूट्रल रहें। जैसा कि दोस्तों इस पॉइंट का मतलब क्या मैं आपको डेप्थ में समझाता हूं कि कभी भी मार्केट को के लिए हमारी बाइसनेस क्रिएट नहीं करें, हमेशा न्यूट्रल रखें, मतलब अपनी जो सोच है उसको न्यूट्रल रखें, चाहे मार्केट ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, ऑलवेज हैव अ थीम। और हमेशा याद रखें, गिरते हुए मार्केट में ही अच्छे शेयर लेने का सही वक्त होता है, क्योंकि वही शेयर जो कि महंगे हो गए होते हैं सस्ते रेट पे मिलते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जो भी शेयर में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जहां भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस शेयर में आपको हमेशा एक चीज का गौर देन करना है, वो है मार्केट परफॉर्मेंस। और मार्केट परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं, हमेशा एक अच्छे और कुशल शेयर में इन्वेस्ट करने के प्रयास करें। पांचवी चीज, कभी भी मार्केट में एक नजरिया अपना रखें और एक नजरिया मतलब इन्वेस्टमेंट का ड्यू डिलीजेंस हमेशा करते रहें। जैसे कि इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलीजेंस मतलब, जैसे कि मैंने जो कंपनी में फंड दिए हैं जिसमें मेरा पैसा लगा है, उसमें कहीं कुछ इश्यूज तो नहीं आ रही है, वहां पे कहीं कुछ फंडिंग का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, वहां कुछ कंपनी में कुछ फ्रॉड तो डिटेक्ट नहीं हुआ है, वहां कुछ कंपनी में कुछ ऑपरेशनल मैनेजमेंट इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आज के आज ही अपने पोर्टफोलियो में से उस शेयर को बेचें और अपने पोर्टफोलियो को इस बेयर मार्केट में गिरने से बचाएं। तो आशा करता हूं इन दोनों वीडियोस ने आपकी लाइफ को इजी बनाने की हेल्प करी होगी। टू लर्न मोर अबाउट इक्विटी मार्केट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।